हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को विश करना चाहूँगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और दूसरी बात, आज हम लोग का जो व्लॉग है गाइस, वो हम लोग जा रहे हैं एक झरना, ठीक है, वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, जो कि डमाकोल पड़ता है नाम जगह का, और जो कि सुंदर पहाड़ी तरफ पड़ता है। मैं आपको रास्ते में दिखा दूंगा जो भी चीज़ सीन होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सो गाइस, पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। गाइस, मिलते हैं आगे वीडियो में। ये आजादी हमें कितने पीढ़ियों सावधान की मुद्रा में परेड और लंबे लंबे इंडिक भरते हुए आज मंच के करीब आ रहे हैं। मुख्य परेड कमांडर सर्जेंट मेजर संदीप कुमार, उपायुक्त महोदय से अनुमति लेने के लिए। आज के बच्चे कल के नेता, कल हमारे देश को ये और भी निखारेंगे और आगे में राष्ट्रीय तिरंगा इस पर सवार। प्लाटून नंबर 13 यह राजकीय कन्या मध्य विद्यालय का यह प्लाटून है। इस वातावरण को देशभक्ति से ओतप्रोत करते हुए ये बैंड है संत थॉमस स्कूल और भारत भारती पब्लिक स्कूल। इस प्रकार माननीय उपायुक्त महोदय पैरेड के निरीक्षण करने के पश्चात धीरे धीरे सलामी मंच की ओर आते हुए हमारे बीच आज मौजूद हैं स्वतंत्रता सेनानी नंद किशोर मांझी साहब अपने गरिमामयी उपस्थिति के साथ, भाई जनाब निशान कमर के कर कमलों के द्वारा। सतहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर आज के तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको सॉलिड ही दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको झरना का पूरा अद्भुत नज़ारा, यहाँ से बहुत दूर आपको लग रहा होगा। सो गाइस, देख सकते हैं आज 15 अगस्त है और हम लोग आज डमाकोल में आए हुए हैं और देख सकते हैं यहाँ से बेहद सुंदर नज़ारा डमाकोल का। और ये झरना आप देख सकते हैं यहाँ बह रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर झरना बह रहा है। सो गाइस, देख सकते हैं हम लोग अभी उधर से आए थे, सीढ़ी से चढ़ते हुए आए थे और अभी हम लोग को इधर से जाना है। सो गाइस, देख सकते हैं इधर का रास्ता कुछ ऐसा है और यहाँ पे पूरे पहाड़ वहाड़ है, साइड से ये झरना का पानी जो है देख सकते हैं गाइस बह रहा है बहुत ही तेज़ी से। बारिश होती है तो गाइस यहाँ पे तेज़ी आ जाता है, बारिश का पानी जो पहाड़ों से बह के आता है। और अभी हम लोग आगे आ चुके हैं जस्ट झरना के पास और आके आपको झरना का सुंदर नज़ारा दिखाते हैं गाइस। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कितना सारा जंगल है। देख सकते हैं गाइस जहाँ मन तहाँ से पानी बह रहा है। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है। हम लोग आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं गाइस झरना का ऑसम व्यू।
सो गाइस आप देख सकते हैं बाकी सब यहाँ पे जितने भी है टूरिस्ट लोग सब नहा रहे हैं। बहुत दूर दूर से भाई लोग आते हैं, जैसा कि बोल रहे थे मुर्शिदाबाद से भाई लोग आए थे। सो आप देख सकते हैं गाइस नज़ारा। सो गाइस देख सकते हैं झरना का पानी ऊपर से बहुत तेज़ी से बह रहा है और मेरे फ्रेंड लोग वहाँ पे देख सकते हैं रोशन है टीपू है वो सब नहाने के लिए गया है। देख सकते हैं बहुत ही स्पीड में पानी का बहाव बढ़ रहा है। अरे यार सॉलिड गिर गया भाई, एकदम मुंह के बल गिरा हुआ बच्चा। यहाँ पे जो लड़का है वो मुँह के बल गिरा, देख सकते हैं गाइस दिख बाजी मार रहा है सब एक लाइन से। वाह तो गाइस आप देख सकते हैं और यहाँ पे सब जो टूरिस्ट लोग हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आज भीड़ लगी हुई है आज 15 अगस्त का। आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त लोग ऊपर चढ़ चढ़ के बार बार कूद रहा है। सो गाइज यही था झरना का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आएगा। झरना देख सकते हैं कितने स्पीड से झरना बह रहा है, इधर से साइड से चढ़ने का भी आप ऐसे चढ़ के आप ऊपर झरना के ऊपर जा सकते हैं, बट हम लोग को जाना नहीं है। एक लड़का चढ़ा था बट पानी में हमने नहाया और देख सकते हैं टीपू भाई और ये सब फोटो सेल्फी ले रहा है और देख सकते हैं पर्यटक की कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे नहाने के लिए। सो गाइज आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है और वहाँ पे देख सकते हैं लड़के लोग पूरे मस्त से नहा रहे हैं। पानी ऊपर से बहुत स्पीड से गिरता है गाइज, वहाँ पे पत्थर बना हुआ है और उस पर बैठ के आप अपना झरना का ऊपर से पानी गिरने का आनंद ले सकते हैं, लेकिन बहुत स्पीड से गिरता है जिसके कारण से गाइस माथा में चोट लगता है, सर पे चोट लगता है। और दूसरी बात गाइस कि पानी बहुत ही मीठा है, हमारे मुंह में एक दो बार गया तो इससे टेस्ट पता चल जाता है कि गाइस ये मीठा पानी है। और देख सकते हैं गाइस बहुत ही अच्छा बहाव में ये बह रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग अभी झरना के पास से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमने नहाया आपको दिखाया फुटेज झरना का और यहाँ पर देख सकते हैं झरना का कुछ पानी इधर से भी बह के जा रहा है। और अभी हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं बिकॉज यहीं पे अभी 3:30 बज चुका है और देख सकते हैं हम लोग सब आगे दोस्त लोग आगे चल रहे हैं और ये कुछ जंगल के अंदर से जाने का रास्ता है झरना के अंदर। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नया आए तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपनी बाइक को पार्क्ड किया था, यहाँ पे देख सकते हैं यामाहा एफजेड लगी हुई है, उसके बगल में उदय भाई का होंडा एसपी लगा हुआ है और साथ में बुलेट लगा हुआ है, जिस एक करके आप तीनों गाड़ी का एक बार लुक दिखा देता हूँ मैं। सो गाइस चलते हैं आज तक। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ चलते हैं और व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।